हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्टेम इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए, तो देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस दैट इज कनेक्टेड टू इच अदर। ये क्या होता है, एक बहुत सारे डिवाइसेस का एक समूह होता है जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर नेटवर्क को, तो कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक नेटवर्क की, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा स्विच हो गया। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अगर आपको स्विच समझ में नहीं आता तो आप अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझो, हम इसको बाद में कवर करेंगे। ऐसा समझो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे कनेक्ट करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क हो गया, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, इसमें प्रिंटर्स भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रिंटर्स हो गया और यहाँ पे हमारा सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एक नेटवर्क हो गया, नेटवर्क, ये हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया जिसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेनी डिवाइसेस। देखिए इसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, प्रिंटर लगा है, कंप्यूटर लगा है, स्विच लगा है, सर्वर लगा है, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं और क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, हम उस पर सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अपना एक्सेल पे काम कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। तो सबसे पहला इसका हम देखते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो एक चीज़ बताइए, मान लीजिए यहाँ पे एक कंप्यूटर है PC1 और यहाँ पे एक कंप्यूटर है PC2। अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, अगर हमें कोई फाइल यहाँ पे F1 शेयर करनी है इसके पास, तो कैसे जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव के थ्रू इससे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अगर ये नज़दीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़े डिस्टेंस पे हो, देन ये क्या होगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो हम पहले लिख सकते हैं शेयरिंग फाइल्स एंड डेटा, लिख सकते हैं डेटा और फाइल्स को शेयर करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, जो भी डेटा हो गया उसको शेयर करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हमारा एक कंप्यूटर है, सॉरी एक प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है हमारा एक अलग है, डायरेक्ट इस सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी एक केवल ए सिस्टम से कनेक्टेड है और ए सिस्टम नेटवर्क में नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ए भी वाला सिस्टम इस पे क्या करे, प्रिंट दे, तो ये नहीं दे सकता है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए भी ये एक तरह का रिसोर्स हो गया। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, ताकि सारे सिस्टम इस रिसोर्स का यूज कर सके, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्सेस, शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्सेस, ठीक है। तीसरी चीज, हमें सॉफ्टवेयर भी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स। तो आपने देख लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम देखते हैं कि इस कंप्यूटर नेटवर्क को हम कन्फिगर कैसे कर सकते हैं, इसको कन्फिगर करने के कौन कौन से तरीके। कन्फिगर का मतलब कि अगर हम आसान भाषा में, देसी भाषा में समझे, तो हम इस कंप्यूटर नेटवर्क को बना कैसे सकते हैं, कौन से तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेसिकली दो टाइप्स हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला हमारा सबसे फेमस तरीका है क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। दूसरा तरीका है पीयर टू पीयर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम बहुत सारे नंबर यहां पे आपको दे दिए, ठीक है, अगर हम इस नंबर को बोलें कि आप इसको अरेंज करो, ठीक है, इस नंबर को एक अरेंज करना है, तो हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, 3, 4, 5, 9, 11, 13,
डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं। वैसे ही नेटवर्क को बनाने का तरीका क्या है, देखिए मोटिव एक है हमारा, जो तीन ही जो अभी हमने जरूरत बताया, मोटिव हमारा एक है, डेटा एंड फाइल से शेयर करना है, नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करना है, सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, लेकिन हम तरीका अलग अलग तरीके से नेटवर्क बना सकते हैं। पहला हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, देखो जायज सी बात है, क्लाइंट सर्वर, सर्वर होगा क्लाइंट होंगे, एक हमारे यहाँ पे हो गया स्विच और यहाँ पे हमारे क्या हो गए, बहुत सारे कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर्स देखिए ठीक, और ये हमारा हो गया सर्वर, और जो नीचे वाले होते हैं इसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं, क्लाइंट्स, और ये क्या होते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं स्विच के थ्रू एक दूसरे से, ठीक है। यही वाला जो हमारा मॉडल है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा सर्वर, बाकी होते हैं क्लाइंट्स। सर्वर का काम होता है सर्विसेज को सर्व करना, क्लाइंट का काम होता है उस सर्विसेज का यूज करना। क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें इस सर्विस की जरूरत है, और सर्वर क्या करता है, वो सर्विस उसको सर्व करता है, इसलिए सर्वर को सर्वर बोला जाता है, यानी सर्व करने वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें एक चीज देखो, जो भी हमारा राइट्स होता है ना, जो भी रूल्स रेगुलेशन लगाना है, जो भी कोई पॉलिसी इनिशिएट करना है, उसका सारा राइट्स होता है हमारे सर्वर के पास। ये सर्वर ही सब पे रूल रेगुलेशन लगाता है, ऑथेंटिकेशन लगाता है, सारी पावर्स होते हैं सर्वर के पास, और इनके पास क्या होता है, सिर्फ उस सर्विस को यूज करने का पावर होता है, ठीक है। तो हम इसको वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वर्क स्टेशंस, ठीक है। ये जो सिस्टम है वर्क स्टेशन, यानी यहाँ पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर। ये देखो एक सिस्टम ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। पीयर टू पीयर क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई बीच में डिवाइस नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, सारे एक, मतलब ऐसा नहीं है, सारे के पास अपना एक पावर है, सारे लोग अपना फाइल शेयर कर सकते हैं, सारे लोग अपना रूल्स रेगुलेशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम पी टू पी मॉडल भी बोलते हैं, पी टू पी ऐसे भी लिख सकते हो, पी टू पी। और इसको हम बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर मॉडल बोल लो, आर्किटेक्चर बोल लो, क्यों बोलते हैं टू टायर, फर्स्ट सेकेंड टू टायर आर्किटेक्चर। इसमें कोई लेवल नहीं है, इसमें सब बराबर हैं। इसमें क्या है, दो लेवल्स हैं, एक सर्वर का, एक क्लाइंट्स का, एक के पास पावर है सर्व करने का, एक के पास पावर होता है उस सर्विस को यूज करने का। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का टाइप था, अब हम देखेंगे नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क हमारा कितने टाइप का होता है। सबको पता है नेटवर्क हमारा कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। पहला हमारा होता है लैन, दूसरा होता है हमारा क्या, मैन, और तीसरा होता है वैन। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वैन, ठीक है। अब हम तीनों को समझते हैं, लैन मैन वैन है क्या, LMN, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सॉरी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लैन क्या होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा हो गया लैन मैन वैन। अब हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। लैन, लैन क्या होता है, लोकल, लोकल मतलब छोटा, एक छोटे से एरिए में होता है। लैन क्या होता है, एक छोटे से एरिए को कवर करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑफिस हो गया, ऑफिस, ठीक है, इस ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है। ऑफिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जहां पे बैठ के लोग काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, ये हमारे एक ऑफिस का नेटवर्क हो गया, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो हम इसको बोलेंगे लैन, क्योंकि एक छोटे एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मैन। मैन क्या होता है, मैन एक इंटायर सिटी को कनेक्ट करता है। जैसे मान लो अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में CCTVs हैं, वाईफाई हैं, सारे लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट ने वाईफाई दिया हुआ है फ्री में, सारे सड़कों पे स्ट्रीट लाइट की जगह, सॉरी स्ट्रीट लाइट के पास में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, और ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा नेटवर्क होगा ना, जो कि एक इंटायर सिटी को कवर करे,
पूरे शहर को कवर करे उसको हम बोलते हैं क्या, मैन। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लैन कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लैन कनेक्टेड होते हैं, लैन, ठीक है, बहुत सारे लैन कनेक्टेड होते हैं एक सिटी के अंदर। और इसके लिए हमारा सबसे बड़ा है हमारा सीसीटीवी का सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, सीसीटीवी सिस्टम हमारा हो गया, सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम जो है ना, ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा मैन का, ठीक है, सिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ना, पूरा ग्लोबली कवर है, पूरा ग्लोबली क्या होता है, फैला होता है, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है, जिससे कि पूरी दुनिया कनेक्टेड है, सिंपली हम उसको बोल सकते हैं इंटरनेट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का वैन का इंटरनेट, जो कि पूरे कंट्रीज को, सारे कंट्रीज को, सारे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज आवर इंटरनेट। इसको हम इसीलिए इंटरनेट को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स का भी नेटवर्क, इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक मेन डिफरेंस देखते हैं, लैन मैन वैन, ठीक है, एक चीज है, सबसे छोटा क्या होता है, अगर हम इसको साइज में कैटेगराइज करें, साइज में, तो सबसे छोटा होता है क्या, लैन, लैन से बड़ा होता है हमारा मैन, और सबसे बड़ा होता है हमारा क्या, वैन, ठीक है। और जनरली अगर हम स्पीड की बात करें, ये हमारा क्या हो गया, साइज हो गया। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड में सबसे ज़्यादा होता है लैन का स्पीड, उसके बाद होता है मैन का स्पीड, उसके बाद होता है वैन का स्पीड, ठीक है। आपको याद रखना है साइज के आधार पे इसका मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और स्पीड में सबसे ज़्यादा होता है हाई स्पीड होता है, और इसका क्या होता है, लेस, इसमें सबसे स्मॉल होता है साइज में, और ये क्या होता है, लार्ज होता है साइज में, ठीक है। एक चीज हम आपको यहां पे और कवर करना चाहेंगे कि IEEE, भाई ये क्या है, हमने IIT सुना है, M सुना है, IEEE क्या है, जो भी नेटवर्क के स्टूडेंट हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये है एक इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। इसने एक स्टैंडर्ड, एक सीरीज शुरू करी है, किसके लिए, लैन के लिए, IEEE 802 स्टैंडर्ड इसने सेट करा है, किसके लिए, लैन के लिए, ठीक है, लैन के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा, देखिए, लैन मैन और वैन हो गया, और हमने देख लिया इंटरनेट का। इंटरनेट आजकल आपको सबको पता होगा कि इंटरनेट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी इंटरनेट के द्वारा ही संभव है। अगर आपको गेम खेलना है ऑनलाइन, आप गेम खेल सकते हैं, ईमेल भेजना है, ईमेल भेज सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ई कॉमर्स से लेके, मतलब हर एक चीज आजकल इंटरनेट पे हो गया है। इंटरनेट आज हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो इंटरनेट का आज हमारे जिंदगी में बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। आपको आशा करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक जो है वो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।